जेड़े सुखबीर बादल तेन तकलीफ हो रही है ना मिर्चा लड़ रही है बिजली के बिल वाली तो मैं बड़ा क्लीयर कर दा कि साडे कोल हराम के पैसे नहीं तेरे वर्गे है ना जिवें तू हराम के पैसे कमाए हुए हैं बड़ी इज्जत नाल रोटी कमाई दी है तनखा जो गुजारा करीदा है तो जे शोरूम के किराए आ रहे ना तो ये अपने कोरोना का टाइम से जो चलो रेंटल इनकम बंद होगी तो बंदा औखे होके भी गुजारे कर रहा है अपने घर के उत्ते सोलर लाए हैं तो अज तक नहीं जिंदगी होया कि जेडे बिल है ना असि अपनी जेबा चो भरते हैं तो थोड़े वो थोड़े इन्ने ज्यादा घर के एसी चलते हैं ना तो सरकार तो नहीं लेंगे जे बीमार हुए ना तो अपना इलाज भी अपने पैसों तो कराया जे सैर सपाटे से गए तो एलटीसी भी नहीं लिती अपने पैसों तो गए सरकारी काम करन भी जे हवाई जहाजा से गए ना तो अपने पैसे ला के किए तो बिजली का जो बिल है ना ये नहीं है कि बिल नहीं दिता सीगा ये गल सी कि सर्दियों के गर्मियों के बराबर बिल क्यों आवे जो असी नहीं चलते उदो भी तो एक अपील पाई सी कि इन्ना ज्यादा बिल तुम घर का किए कर देंगे हो एक लख रुपया दो जाने अस घर च रें भी इन्ना वाला बिल कि आ जाता है भी ये चेक किया जाए भी सर्दियां गर्मियों बराबर बिल कि आता है हर सारी उम्र जिंदगी अपने बिल ही भरते आए हैं तो वह बंदे क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्हें अपनी जेबा चो लखा रुपया करोड़ा रुपया लोगों को देता लोगों के बिल भरने जेड़े बंदे जरूरत हुई जो उस बंदे को पैसा सी अज वो पंजाब करके अपना सारा कारोबार बंद करके बैठा है तो जो को पैसा होंगे तो जिथे जिथे जिन्होंने लड़ पी उन्हें अपने ईमानदारी की कमाई तो चेक कट के दिते तू दस तू जो दवानी भी अपनी जेब चो कदे किसी नूं दित्ती होवे ते तू सरकारी केड़े फायदे नहीं उठाए थोड़े घरां दे घरदियां दे जदों इलाज होए ना तुसीं अपने करोड़ां रुपयां दे बिल कढ लो जिहड़े तुसीं सरकार दे खाते तों खाधे हैं तुसीं तां प्रोग्राम करदे हो तां वी सरकारी खाते चो करदे हो ते असीं तां कदे सरकारी पैसा नहीं मंगिया ते इह जिहड़ी अपील पाई सी ना ऑलरेडी क्लीयर हो गई है एंड उह मन भी गए जो बिजली बोर्ड वाले है तो जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है करनी है असि कहता बिल अज तक नहीं भरिया तू परवाह ना कर तू ये परवाह कर तू अपनी जेब चो कदे कोरोना वाले दवानी दिती साडे कोल तां जिन्ना पैसा सी असि अपनी बैंकां दे पैसों चो कढ़ा के 8 महीने का राशन कोरोना च घर च पहुंचाया लोगों के तू दस तू की किया कोई बंदा है जिहड़ा अपना 30 करोड़ की नौकरी साल की छड के इत्थे बैठा है पंजाब के बंदे के पिछे है ना तेरे तो दवानी नहीं छड़ी जाती तू तो सारा पंजाब लुट के खा गया तेन गल आदियां ने सो अपनी औकात च रह ते बोलन तो पहला सोच के बोलिया कर ये वह नवजोत सिद्धू है जिन्हें जदों अमृतसर गए थे ना MP बन के तो 1.5 करोड़ अपनी जेब चो दिता से हरियाली लई पेड़ पौधे लाने लई अपने अपनी नेक कमाई चो 25 लाख किसानां ते जदों अग लग गई सी ना उत्थे दित्ता सी मैं ना अचानक कोल हस्पताल दाखिल हो गई उत्थे 3 मरीज मेरे कोल आए जिन्हां दे ऑपरेशनां दे लई 25-25 लाख उन्हें बिना दसे घर तों अपनी जेबां चो दित्ते मुड़ के उन्हें अजमेर औलख जी नूं 8 लाख दा चैक उत्थे दे के आए शहीद भगत सिंह दे उत्थे बिजली दा बिल नहीं सी भरिया होया 2.5 लाख उत्थे अपनी जेब चो दे के आए 1 लाख दा उन्हां नूं इनाम मिलिया ओदी जगह 2 लाख इदू शरीफ जी नूं अपनी जेब चो दे के आए तेरे वर्गे बंदे ने कदे जूं ही दित्ती है अपनी जेब चो कढ के तू तो जेब च पैसे भी नहीं रखदा तू तो जदों लोकां दे जांदा तां जेबां चो मैं तेरे नाल ही रही हां तू मैं जदों तुरदे सी तां जेब च पैसे भी नहीं सी हुंदे तू भी इधरों उधरों फड़ के चक के 500 दा नोट भी लोकां दे लैंदा अज तक अपनी जेब चो कढ्या ते कमाया सारा पंजाब बेच के जिन्नी कमाई कीती ना अपनी इनिशियल इनकम देख लै ते अज भी देख लै भी तेरे सारे पासे किन्ने तेरियां जदादां ने ते उत्थे किन्ने बिल तू जदादां दे तू भरना।